हाय एवरीवन, वेलकम टू समथिंग न्यू इन्फो। दोस्तों, अगर आपका रेडमी या फिर पोको का कोई भी फोन है जिसका पावर बटन खराब हो गया है, तो उस फोन में पावर बटन लॉन्ग प्रेस ना करके आप कैसे फोन को रिस्टार्ट कर पाएंगे, वही प्रोसेस इस वीडियो में दिखाएंगे। रिस्टार्ट एंड रिबूट दोनों एक ही चीज है। आपसे थोड़ा सा समय लेकर मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद जितने भी सारे ऑप्शन आता है, वो सभी सेम ऑप्शंस कुछ सेटिंग्स करने के बाद आ जाएगा, लेकिन आपको पावर ऑफ मतलब स्विच ऑफ नहीं करना है। अगर आप स्विच ऑफ मतलब पावर ऑफ कर देते हैं, तो आपको पावर बटन रिपेयर करवाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही फोन को ऑन कर पाएंगे। सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही फोन को ऐसे रिस्टार्ट करना है। लंबे समय तक फोन को इस्तेमाल करने के लिए बटन रिपेयर करना जरूरी है। ये रेडमी का फोन है, रेडमी, एमआई, शाओमी, आप जो भी बोलते हैं। तो रेडमी के फोन में जो ओएस होता है वही पोको के अंदर होता है, जैसा कि MIUI, HyperOS, इसलिए फोन के सेटिंग्स भी लगभग एक ही होता है। आपके फोन में MIUI या फिर HyperOS जो भी है, इस वीडियो को देखने के बाद आप फोन को रिस्टार्ट कर पाएंगे। इस वीडियो में एक नहीं दो प्रोसेस दिखाऊंगा। तो पहले सेटिंग्स ओपन करना है, सेटिंग्स ऐप को खोलना है। सेटिंग्स ओपन कर लिया, थोड़ा सा नीचे जाना है, एडिशनल सेटिंग आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे क्विक वॉल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको टैप करना है। यहाँ पे एक टर्न ऑन क्विक वॉल, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करते ही यहाँ पे देखिए एक कर्व टाइप का एक सिंबल आ गया है, इसको अगर आप टैप करते हैं कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए। तो इसको आपको एडिट करना है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट शॉर्टकट्स लिखा है, यहाँ पे होम, मेनू, लॉक, स्क्रीनशॉट, बैक, यहाँ पे जितने भी सारे शॉर्टकट्स है यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए। इनमें से कुछ भी आपको एक चूज करना है। मैं यहाँ पे रेंडमली चूज करता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट का मुझे नहीं चाहिए शॉर्टकट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी शो कर रहा है शॉर्टकट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट का एक जो है सिंबल शो कर रहा है। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, लॉन्ग प्रेस द पावर बटन, मतलब पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद जितने भी सारे ऑप्शन आता था तो वो उसका शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने इसको टैप कर दिया, देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए रिप्लेस हो गया जो स्क्रीनशॉट का सिंबल था, यहाँ पे पावर का ऑप्शन आ गया। इसके ऊपर मैं अगर टैप करता हूँ तो यहाँ पे सारा ऑप्शंस आ गया जो ऑप्शंस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद आता है। अभी रिबूट पर क्लिक करके फोन को रिबूट कर सकते हैं। इस क्विक वॉल फीचर को बंद करने के लिए यहाँ पे खाली जगह पे टच करना है और बैक करना है। टर्न ऑन क्विक वॉल जो ऑप्शन ऑन किया था उसको ऑफ करना है। ऑफ करने के साथ ही साथ ये कर्व सिंबल हट जाएगा। तो चलिए इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व सिंबल हट गया है। और एक तरीका देख लीजिए, यहाँ पे आपको सेटिंग्स ओपन करना है, थोड़ा सा नीचे जाके एडिशनल सेटिंग्स आपको मिलेगा, यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी नीचे जाना है। एक्सेसिबिलिटी मेनू आपको दिखाई देगा, यहाँ पे टैप करना है और इसको ऑन करना है। ऑन करते यहाँ पे अलाउ करना है, ओके कर देना है। ओके करते ही ह्यूमन की तरह एक आइकॉन दिखाई दे रहा है। सेटिंग्स आपको बंद कर देते हैं और बैकग्राउंड से क्लियर कर देते हैं, बैक करते हैं। अभी भी ये आइकॉन यहाँ पे शो कर रहा है, इसके ऊपर टैप करना है, आपको यहाँ पे पावर का ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। और बहुत सारा शॉर्टकट्स यहाँ पे है, तो पावर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद जितने भी सारे ऑप्शंस आता है सभी ऑप्शन आ रहा है। अभी आपको इसको कैसे बंद करना है, आपको इसके ऊपर टैप करना है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेनू यहाँ पे टैप करना है और इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करते ही देखिए यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, देखिए हट गया है यहाँ से। तो आप इस तरीके से Redmi और Poco के फोन में पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद जितने भी सारा ऑप्शंस आता था वो सभी ऑप्शंस आप ला पाएंगे। दोस्तों, ये दोनों तरीका अगर आपके फोन में काम नहीं करते हैं तो आपके फोन का मॉडल नंबर आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, आपके फोन के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद आने पर क्या करना है आपको पता है, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।